दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 90 मिनट का भाषण इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कभी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू हों, चाहे शास्त्री जी हों, इंदिरा जी हों, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, और आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो पूरा देश सुनता है। वह प्रधानमंत्री की पार्टी का उनका समर्थक हो या आलोचक हो, लेकिन सभी लोग सुनते हैं आमतौर पे जो सुन सकते हैं। क्या है आज की बात? मेरी बात, आपकी बात, हर किसी की बात। देश, दुनिया, गांव, देहात, सत्ता, समाज, संस्कृति, मीडिया और सियासत, सबकी बात। न्यूज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ। मुझे आज भी याद है बचपन की, हम लोग, टेलीविजन तो था नहीं, लेकिन हम लोग रेडियो अपने घर में अगर नहीं था गांव में, तो किसी और के घर जाकर के जिनके पास रेडियो होता था हम लोग सुनते थे। तो दोस्तों इतना महत्व है 15 अगस्त के संबोधन का। लेकिन हमने जो 90 मिनट का भाषण सुना प्रधानमंत्री जी का, उसमें राष्ट्र की जो समस्याएं इस समय हैं, आमतौर पे सारे प्रधानमंत्री देश की बड़ी समस्याओं पर बोला करते थे उस दौर में, जो हमने दौर देखा है और अभी हाल तक इसके पहले भी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लगभग नजरअंदाज कर दिया। कैसे यह देश मजबूत होगा, कैसे यह देश सुखी होगा, कैसे यह देश शांतिपूर्ण रहेगा, कैसे इस देश की विविधता सुरक्षित रहेगी, कैसे लोग अमन चैन से जिएंगे, कैसे समाजों में, जातियों में, समुदायों में भ्रातृत्व, सौहार्द कैसे उनके बीच में डेवलप होगा, हमारे संविधान में जो कहा गया है समता मूलक समाज हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे संविधान के प्रियम्बुल में है, इस पर कोई बातचीत नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा की समस्या को लेकर हमारे विश्वविद्यालय कैसे बहुत कमजोर स्थिति में जा रहे हैं, दुनिया के विश्वविद्यालयों से कंपीट करने के बजाय हम पिछड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा जरूर की कि इतने हजार करोड़ ये लगेगा, इतना वो लगेगा, और हम इतने केंद्र खोलेंगे, औषधि केंद्र, लेकिन सच ये है कि डिक्लेरेशन के बावजूद बार बार की जो हमारा जीडीपी है उसमें हम 3% तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं पूरे देश के हेल्थ केयर पर, समूचे देश के हेल्थ केयर पर शायद 3 से भी काफ़ी नीचे है हमारा ग्राफ। उसी तरह से एजुकेशन पर भी हमारा खर्च, जो हमारा प्रस्ताव है, उसके मुकाबले कम हो रहा है। तो इन बड़ी समस्याओं पर बोलने की बजाय उन्होंने परिवारवाद को कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार को कहा, उन्होंने तुष्टिकरण को कहा। अब सवाल इस बात का है कि कौन इनकार करेगा कि भ्रष्टाचार विकास में बाधक है, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश की शुरू से लेकर आखिर अब तक हर चुनाव में, हर मौसम में ये समस्या गिनाई जाती है, लेकिन इसका समाधान नहीं खोजा जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक पार्टी की समस्या नहीं है, यह सिस्टम की समस्या है। और करप्शन उन्हीं मुल्कों में कम है दोस्तों जहां पर सिस्टम बेहतर किया गया है, जहां पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। अपने यहां इतनी असमानता है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, इतना आपस में कटुता है, आप सोचेंगे कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल आराम से खत्म किया जा सकेगा केवल एक कानून बनाकर, कुछ नेताओं को जेल भेजकर? असंभव है। तो सिस्टम में एक बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी नहीं करते। हमने सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री जी के भाषण के विविध पहलुओं पर, खासकर 2-3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर, किसी ऐसे जाने माने व्यक्ति को बुलाऊं या उससे बात करूं जो एक पूरे पर्सपेक्टिव में इसको सामने रख सके। हो सकता है कि मैं कोई एकांगी ढंग की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं संपूर्णता में नई चीजों को ले पा रहा हूं। तो इसलिए हमने देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अब तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, प्रोफेसर योगेंद्र यादव को आमंत्रित किया, और योगेंद्र यादव इस विषय पर बोलने को तैयार हुए हमारे साथ। तो अभी
योगेंद्र जी हमसे जुड़ चुके हैं। दोस्तों, योगेंद्र जी आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 90 मिनट के अपने लंबे भाषण में बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं कि उनकी एक एक बात को लेकर हम लोग आधे आधे घंटे की लंबी चर्चा कर सकते हैं, और ऐसी मैं समझता हूं कि एक दर्जन बातें हैं। लेकिन मैं आपसे एक टोटेलिटी में, संपूर्णता में मैं जानना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते, और चूंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी अब हैं, आप कैसे देखते हैं उनके 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस विशाल लंबे भाषण को? जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा लगी वो था अहंकार, गजब अहंकार। आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे उर्मिलेश जी, मुझे याद नहीं पड़ता कि इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना नाम लेके बार बार बोला मोदी ये कर देगा। शायद मोदी जी ने भी पहले नहीं किया। 7 बार उन्होंने अपना नाम लिया। ये बहुत मतलब आत्ममुग्ध होने के भी एक सीमा के बाहर मामला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी का वायदा है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ये कर सकता है। और उसके बाद ये कहना कि अगले साल 2024 में मैं आपके सामने आऊंगा। अब ये ठीक है, एक नेता का काम है एक आत्मविश्वास दिखाना, ये भी बताना कि देखिए अगली बार आऊंगा इसका मुझे विश्वास है। लेकिन एक सार्वजनिक जीवन का एक कुछ न्यूनतम मर्यादा होती है। आप कह अगर ये भी कहना हो तो एक न्यूनतम मर्यादा ये होगी कि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अगली बार आऊंगा, आपके मदद से वो करूंगा इत्यादि। उन्हें वो भी जरूरत महसूस नहीं हुई, और पिछले काफी समय से उनके सब कामों में बार बार जो महसूस होता है वो ये है कि वो अहंकार जो अब सीमा पार कर गया है, और आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अब मिसाल के तौर पे 2-3 चीज आपको बताता हूं। कैसे कोई व्यक्ति ये बात सपाट चेहरे से बोल सकता है, सामने टीवी हजारों पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको ध्यान नहीं नोटिस किया है कि नहीं, कि कोविड के जमाने में हमने जो मानवीय संवेदना दिखाई, माने हमें करोड़ों लाखों लोग बेचारे पैदल चल रहे थे, जो अफ्रीका से तस्वीरें नहीं आई वो भारत से आ रही थी, आप उस पर चुप रह जाएं, चलिए आप ये जिक्र ना करें कि कोविड में हिंदुस्तान में कितने लोग मरे, 40 लाख से ज्यादा लोग मरने का WHO का अनुमान है, चलिए वो समझ गया, लेकिन आप उस पे कहें कि हमने मानवीय संवेदना दिखाई, ये अद्भुत है। मतलब आपको एक खास तरह का एक, जैसे मैंने कहा, आपको जब ये लगता है कि कुछ भी बोल दूंगा चलेगा, ये टीवी चैनल वाले हैं ना, सब संभाल लेंगे, सब चलता है जो मैं बोलता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश, ये कहा, भारत की डाइवर्सिटी को पूरी दुनिया अचंभे से देख रही, उनके शब्द हैं। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पे क्या खबर छप रही है आपके बारे में? दुनिया अचंभे से ये देख रही है कि जिस देश ने अपनी विविधता का सम्मान किया था उस देश में आज लिंचिंग हो रही है, दुनिया ये देख रही है, और आप कहते हो दुनिया अचंभे से देख रही है। और नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। चीन से 15 अगस्त को ही आप चीन से मीटिंग कर रहे हो, और उस मीटिंग में चीन के सामने अनुरोध कर रही है सरकार कि भाई जिस जगहों पे 2 साल पहले तक हमारी फौज जाके पेट्रोलिंग किया करती थी, आप हमें उस इलाके में पेट्रोलिंग करने दीजिए, और चीन कह रहा है नहीं 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 करने देंगे। और आप खड़े होके पूरे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए बोल रहे हैं कि हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई। मतलब कि बोलने का सच झूठ से कोई संबंध नहीं है, और ये जो विश्वास है कि मीडिया को मैंने जेब में लिया हुआ है, एंकर हैं जो शाम को जो मैं सही गलत बोलूंगा उसको संभालेंगे और अटैक दूसरों पे करेंगे, और जो बोलना है मैं बोल दूं। एक्सपोर्ट्स इस देश में बढ़ रहे हैं, कल ही खबर आई कि 6वां महीना था जबकि लगातार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं इस देश में, और वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट जितने बढ़े हैं उसका कोई हद नहीं, और इन्फ्लेशन तो साहब सारी दुनिया में है, हमने तो इन्फ्लेशन इंपोर्ट किया है, टमाटर का इन्फ्लेशन हमने इंपोर्ट किया। पता नहीं होगा उर्मिले जी, आप तो अर्थशास्त्र जानते नहीं है, प्रधानमंत्री जानते हैं कि टमाटर का इन्फ्लेशन इस देश में इसलिए क्योंकि हमने इंपोर्ट किया इन्फ्लेशन।
तो ये मुझे बहुत माने ये एक तरह से प्रधानमंत्री पे टिप्पणी नहीं है और मिले ये हमारे और आप पे टिप्पणी। और हमने योगेंद्र जी आपको मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं कि शायद देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अगले चुनाव के नतीजे को भी एक तरह से अपनी ओर से डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि 2000 अगली बार यानी जो अगला चुनाव होगा उसमें पहला जो 15 अगस्त आएगा तो वो एड्रेस करने आएंगे, उस दिन वही झंडा फहराएंगे। कुल मिलाकर उनका कहना था कि उनका अगली बार प्रधानमंत्री बनना तय है। अब संविधान पर मैं नहीं जा रहा हूं कि संविधान क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। मान लीजिए बीजेपी जीत जाए, कल्पना कीजिए, और कुछ और कर दे, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन डिक्लेयर करना कि अगला चुनाव जीत करके पुनः प्रधानमंत्री के रूप में मैं झंडा फहराने आ रहा हूं, इस कमेंट को कैसे देखते हैं? और उसमें जैसे मैंने अभी कहा उसमें जो न्यूनतम एक शालीनता होती है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा होती है, मतलब हम ये भी कहते हैं कि साहब 10 साल बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह, मैंने कहीं ऊपर वाले को लोग याद कर लेते हैं कि अच्छा ईश्वर की कृपा हुई तो हम करेंगे, या मतलब या लोकतंत्र का मर्यादा है कि आप ईश्वर की नहीं जनता की कृपा की बात करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री यहां तक भी रखते कि अगर आपकी दया दृष्टि रही तो मैं 15 अगस्त को फिर आऊंगा आपके सामने देने के लिए, आपका विश्वास रहा तो आपके आशीर्वाद से, इसके 50 तरीके हैं इस बात को, आप आत्मविश्वास दिखाना चाहते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना चाहते हैं कि कोई नहीं डटे रहो हम आएंगे, आप अंदर से घबराए हुए हैं बाहर से दिखाना चाहते हैं, इसके 50 शालीन तरीके हैं, लेकिन उनको उस शालीनता और एक जो न्यूनतम मर्यादा है सार्वजनिक जीवन की उसकी भी कोई परवाह नहीं। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि ये हमारे और आप पे टिप्पणी। योगेंद्र, एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इश्यूज पर अलग-अलग फोरम पर डिस्कशन हो चुका है उनके भाषण के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री के इन बिंदुओं पर बहुत कम चर्चा हुई है, और अगर हुई है तो बहुत नाकाफी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें, क्या आप सोचते हैं? पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बार की स्पीच में कहा कि इस देश की तीन बड़ी समस्याएं हैं। पहली उन्होंने बताई कि परिवारवाद है, दूसरा उन्होंने बताया भ्रष्टाचार है, इसके अलावा उन्होंने एपीजमेंट यानी तुष्टिकरण को बताया, यानी भारत नाम के राष्ट्र राज्य की तीन जो सबसे बड़ी समस्या इस देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बैठे व्यक्ति के मुताबिक है, वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण है। कैसे देखते हैं आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में और एक्टिविस्ट के रूप में इसकी, और इसको थोड़ा व्याख्या करके बताएं हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए? पहली बात तो ये उर्मिलेश जी कि गरीबी इस देश की समस्या नहीं, महंगाई इस देश की समस्या नहीं, बेरोजगारी इस देश की समस्या नहीं। अब आप कभी भी कहीं भी सर्वेक्षण करके दिखा लीजिए, ये जो गोदी चैनल है ये भी अगर कल परसों कोई सर्वे करके दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा और महंगाई, ये दो चीजें सदाबहार मुद्दे हैं क्योंकि इस देश की सच्चाई है, ये इस देश के मुद्दे नहीं। शिक्षा इस देश का समस्या नहीं, स्वास्थ्य इस देश की समस्या नहीं, इस देश की समस्याएं ये तीन, ये तीनों समस्याएं हैं किसी ना किसी स्वरूप में, ये मैं मानने को तैयार हूं। इन तीनों का विश्लेषण जो प्रधानमंत्री करते हैं वो अद्भुत। भ्रष्टाचार, मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का जिक्र उस महीने में करते हैं जबकि कई समय बाद सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना मुंह खोला है। इतने दिन से मुंह क्यों बंद था पता नहीं, कई दिन बाद मुंह खुला है और मुंह खोल के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बताया है कि इस देश की किस किस स्कीम के अंदर क्या क्या घोटाला चल रहा था। उसने बताया है कि गुड़गांव का जो एक्सप्रेस वे था जिसमें शुरू में कॉस्ट जिसकी कुछ 2.5 करोड़ प्रति किलोमीटर होनी थी, वो जाके कितनी 150-180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर घोटाला है कि नहीं। उसने बताया है कि ये जो प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य योजना है जिसके नाम पे पता नहीं कितना कुछ किया गया है, हालांकि मुझे अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे इसका फायदा मिला, तो वो बताता है कि क्योंकि उसको किसी टेलीफोन नंबर से लिंक करना पड़ता है, एक ही टेलीफोन नंबर से 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है,
बताइए, मतलब एक तो घोटाला होता है, एक बड़ा घोटाला होता है और एक महा घोटाला होता है। ये तो मतलब शुद्ध महा घोटाले की श्रेणी में। और जिस एक चीज का जिक्र इस देश की जनता, तो मैं बाद में आऊंगा उस पर, ये जो अडानी जी का मामला है वो क्या है, तो जिस माह में इस सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खुली, उसी में प्रधानमंत्री खड़े होके बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस देश की बड़ी समस्या है और उसका निशाना विपक्ष पे साध रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 2 महीना पहले ही कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मुख्य मुद्दे पे गिरी है वो भ्रष्टाचार है, उसे 40% की सरकार बताया जाता है। वो ये भी भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में घबरा के उनकी सरकार कांग्रेस वालों पे मुकदमा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुल के बोल रहे हैं कि ये तो 40 नहीं, ये तो 50% कमीशन लेते हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार का जिक्र करना और सोचना कि ये मुख्यतः विपक्ष पे हमला करता है, ये बहुत ही एक अद्भुत सी सोच है, बड़ी अजीब सी सोच है। और परिवारवाद पर कहेंगे, परिवारवाद, प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद बहुत बड़ी समस्या है और परिवारवाद नामक समस्या, उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या है, इधर उधर के परिवारवाद की बात नहीं कर रहे, वो पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं। जाहिर है इशारा कांग्रेस पार्टी पे है, जाहिर है गांधी परिवार, तो गांधी परिवार का नाम नहीं लेना चाहते थे, उसको छोड़ के सब कुछ उन्होंने कर दिया। भूल गए कि परिवारवाद की सबसे बड़ी शिकार इस वक्त जो है वो तो स्वयं उनकी अपनी पार्टी है, बीजेपी में। मतलब बाद में सब लोगों ने फोटो वोटो भी लगा दिए, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, बीजेपी जिन जिन लीडर्स को ले रही है वो कौन है, किस परिवार से आए हैं, बीजेपी के अपने परिवार, बीजेपी में सेकेंड जनरेशन का परिवारवाद आ गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूरी लंबी लिस्ट गिना दी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार रही, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की लगभग तमाम पार्टियां, शायद सीपीएम उसका एक अपवाद है, एक जमाने में असम गण परिषद उसका अपवाद रहा करती थी, शायद 2-3 पार्टियों को छोड़ दें, तो अब इस देश में कोई पार्टी इस परिवारवाद की बीमारी का से मुक्त नहीं है। और उसका कारण है कि हमने नीचे से राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिया, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं होने देते, चुनाव का आंदोलन करने वालों पे गोली बंदूक और उनको जेल में डाल देते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए अगर आपके पास 10-20 करोड़ रुपए जेब में फालतू नहीं है तब तो चुनाव की आप सोच नहीं सकते। अब ऐसे में कौन आएगा राजनीति में, धन्ना सेठ आएंगे जिनके बाप बहुत अमीर होंगे वो आएंगे, जिनके पिताजी राजनीति में थे वो आएंगे, ये सब तरफ हो रहा है। और उसमें आज से 10 साल पहले बीजेपी अगर कहती तो उसका कुछ अर्थ समझ आता था, आज बीजेपी ये कहती है तब तो मतलब आपको समझ नहीं आता कि आप हंसे या रोए इसके ऊपर, कि इस तरह की समझ। और मजे की बात उर्मिलेश जी ये है कि एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी, तो मतलब 9 साल बाद देश ठीक वहीं का वहीं खड़ा है प्रधानमंत्री। तुष्टिकरण का क्या मतलब है, इसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है अपने देश में, खासकर 31 साल में, और कैसे ये सोशल जस्टिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो दूसरे जो लोग हैं क्या वो सोशल जस्टिस के रखवाले हैं, जो लोग आज खासकर सत्ता में हैं उनका सोशल जस्टिस को लेकर क्या उनके सरोकार हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, इसी पर मैं जानना चाहता था। तुष्टिकरण पे प्रधानमंत्री जो कहना चाह रहे थे वो दरअसल बड़ी साधारण सी बात थी, जो बीजेपी और आरएसएस के लोग पिछले 70 साल से, पिछले 100 साल से कहते आ रहे हैं, मतलब ये कि इस देश में मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का तुष्टिकरण हुआ है, उनको पाला पोसा गया है, उनको ऐसी ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि बेचारी मेजोरिटी को नहीं मिलती, और ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। पहला मेरा सवाल ये है, हुजूर 10 साल पहले ये समस्या थी, 10 साल से तो आप राज कर रहे हो ना, अगर ये समस्या थी 10 साल के बाद देश एग्जैक्टली वहीं खड़ा है तो फिर आप सत्ता में क्यों हो। दूसरा ये कि इस देश में मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण हुआ, इतना कुछ उनको मिला कि वो देश के सबसे गरीब लोग हो गए। ये भारत सरकार की रिपोर्ट दिखाती है, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, बैंक अकाउंट की दृष्टि से, तमाम दृष्टि से मुसलमान इस देश का सबसे पिछड़ा है।
इतना तुष्टिकरण 70 साल से हुआ कि सबसे पिछड़ गया, मतलब थोड़ा तर्क की बात तो कीजिए आप। और तीसरा ये कि इसको आप सामाजिक न्याय के साथ जोड़ते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब इस देश की जो जातीय विषमता रही है, उस सवाल को कैसे इस तुष्टिकरण से किया। सीधा सा खेल है कि मुसलमानों में और दलित पिछड़ों में झगड़ा करवाया जाए, दोनों को कहा जाए कि देखो इनको दिया गया इसकी वजह से तुम्हें नहीं मिला। खेल ये है, बहुत ओछा खेल है प्रधानमंत्री के लिए खेलना। सच ये है कि जातीय विषमता और जातीय न्याय और सामाजिक न्याय की दृष्टि से बीजेपी का रिकॉर्ड इतना दयनीय है, इतना शोचनीय है। सिंपल आपसे पूछ लीजिए, जातिगत आरक्षण तो छोड़ दीजिए, जातिगत जनगणना के सवाल पे बीजेपी कहाँ खड़ी है? 2010 में कहा हम इसके पक्ष में, 2018 में संसद में वादा किया और आज कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके चलते जनगणना ही रोक रहे हैं। सच बात तो ये है अखिलेश जी, इस देश में पिछले 10 साल से तुष्टिकरण हुआ है और जिसका हुआ है उसका एक छोटा सा नाम है गौतम अडाणी। ये होता है तुष्टिकरण, जिसका तुष्टिकरण होता है ना उसके बाद वो दिवालिया नंगा और भूखा नहीं होता, जिसका तुष्टिकरण होता है उसकी प्रॉपर्टी 14 गुना बढ़ती है, जैसे गौतम अडानी की बढ़ी। जब इस देश के 97% लोगों की प्रॉपर्टी गिरी लॉकडाउन के जमाने में, गौतम अडानी की संपत्ति 14 गुना बढ़ी। उनको मिले एयरपोर्ट, उनको मिले बंदरगाह, उनको मिली देश की संपत्ति, उनको मिले नए नए कानून संसद से। ये सच्चा तुष्टिकरण है और सारा खेल उस सच्चे तो जो सही इस देश का सबसे बड़ा और सबसे नंगा तुष्टिकरण है उसके ऊपर पर्दा डाल के हिंदू मुसलमान का खेल करवाने का है, जो अब शायद नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। और दोस्तों, मैं यहीं पर आज के इस एपिसोड का समापन करता हूं कि वाकई ये बात योगेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सही है। एपीजमेंट हुआ है, देश के बड़े कारपोरेट गिरोह का हुआ है, इसके अलावा जो हुआ है कुलीन तंत्र का हुआ है, इसके अलावा जिन लोगों का हुआ है ये ऐसे लोग हैं जो गली में, मोहल्ले में, शहर के चौराहों पर हर जगह लाठी डंडा लेकर और उत्पीड़ित समाज के लोगों का, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पर हमले करा रहे हैं और उनके पक्ष में उतरी हुई सरकारें फिर बुलडोज भी कराती हैं उन्हीं के घर को, जिनके लोगों को वो पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं या मार डालते हैं। तो एपीजमेंट इस तरह की ब्रिगेड्स का हुआ है, कॉम्युनल ब्रिगेड का, कॉरपोरेट का। ये हाल है इस देश में तुष्टिकरण का, जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो देश की सबसे बड़ी 3 समस्याओं में एक है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।